परिप्रेक्ष्य पर उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश का संदर्भ अगर आप देखें तो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सिर्फ दो ही संघर्ष के बिंदु हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। बाकी विपक्ष जिनको आप, मुझे पता नहीं आप विपक्ष को कहाँ गिनते हैं और क्या उसकी गणना होती है, विपक्ष जो है नगण्य है, इसके अतिरिक्त कहीं भी। अब बचा ये कि इन दोनों के बीच में 80 सीटों पर सारी लड़ाई और मारकाट है, यही कुल मुद्दा है। भारत में तो भाई 525 लोकसभा की सीटें हैं और उन पर जो है वो तमाम गणना का आकलन, मतगणना का आकलन, पूर्व और पश्चात मतगणना का आकलन होता रहेगा। और 80 सीटों पर भाजपा ने अपने बहुत मेटिकुलस, जिसको कहा जाता है बड़ी सूक्ष्म गणना के साथ, अपने लोगों को फील्ड में, मैदाने जंग में जिसको आप कह सकते हैं, उसमें उतार दिया है। अब बची बात जहां तक विपक्ष की, तो विपक्ष में एकमात्र विपक्ष जो है वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अगर अपने लोगों को लेकर, अपने अपने कार्यबल को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, अपने आधारभूत ढांचे को लेकर जो उनके पास है, अगर वो खड़ी हो पाती है, संघर्ष कर पाती है, लड़ पाती है, तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का आभास है कि उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति बहुत सारी सीटों पर बहुत नाजुक है। और उन जहां जहां पर है वहां उन्होंने अपने लोगों को पहले से उतार दिया है, उनकी सेना के पहले, मतलब सेना तो आप बाद में कहिए कि सेना बाद में आएगी, लेकिन सेना के पहले जो लोग आते हैं व्यूह रचनाकार, वो आ चुके हैं और उनकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, उनके लोग भी मैदान में हैं और पृष्ठभूमि से भी लोग मैदान में हैं। अब संघर्ष की स्थिति जो है जहां जहां पर है और जिन जगहों पर है, वहां पर जो मार्जिन ऑफ एरर है और मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो बहुत संकुचित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटें हैं जहां पर मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो 1000 से 5000 के बीच की है, वो भारतीय जनता पार्टी को भी अनुमान है और उन्होंने अपने लोगों को उन तमाम सीटों पर जहां वो कमजोर हैं, जहां पर उनकी हार बहुत संकुचित अंतराल से हुई है, लोगों को उतार चुके हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या विपक्ष, तो क्या विपक्ष में एक ही विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, और कोई संयुक्त विपक्ष है नहीं और कोई संयुक्त विपक्ष काम करेगा भी नहीं, ना कोई चेहरा, ना कोई और व्यक्तित्व, ना कोई और आप कहें करिश्मा संयुक्त विपक्ष का जो काम करेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।